75वें आजादी का अमृत महोत्सव के तहत चित्रकला से जुड़े कलाकारों के लिए कला कुंभ का आयोजन किया गया। पंजाब के राजपुरा के निकट स्थित चितकारा विश्वविद्यालय में लगभग 250 कलाकारों ने 9 दिनों तक चले इस चित्रकला कार्यशाला में भाग लिया। लगभग 450 मीटर तक फैले 5 सफेद कैनवास कलाकारों को जैसे रंग बिखेरने के लिए आमंत्रित कर रहे हों, ऐसे दृश्य से इसकी शुरुआत हुई। भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय व आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली इस कला कुंभ के मुख्य आयोजक रहे। आजादी के संघर्ष में देश को स्वतंत्र कराने में अपना योगदान देने वाले सेनानियों की गाथा को विस्तृत चित्र प्रदर्शनी के जरिए दर्शाना इस कला कुंभ का मुख्य उद्देश्य रहा। देश के विभिन्न प्रदेशों में ऐसे अनाम वीर शहीदों को पूरे देश व विश्व के लोगों तक चित्रों के जरिए सामने लाने की तैयारी से कलाकार रंग व ब्रश लिए दिन रात जुट गए। चित्रकला विधा से जुड़े कलाकारों ने 12 मेंटर्स के जरिए पहले आउटलाइन बनाकर कैनवास पर रंगों की छटा से शुरुआत की। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात व राजस्थान राज्यों के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को केंद्र में रखकर कलाकारों ने काम किया। Thank you.
हर एक पैनल 75 मीटर से 100 मीटर की लंबाई व 3 मीटर ऊंचाई का बनाया गया और ऐसे 5 पैनल खुले मैदान में विशेष स्टैंड्स पर टांगे गए। जैसे जैसे एक एक दिन गुजरते गए, धीरे धीरे कैनवस पर आकृतियां उभरती चली गईं। चेहरे व हाव भाव, माटी के रंग, वेशभूषा के जरिए संस्कृति की झलक दर्शकों के सामने आती चली गईं। जो कलाकुंभ 2021 का हो रहा है, आज़ादी की अमृत महोत्सव 75 ईयर सेलिब्रेशन हो रहा है और ये हमारा सौभाग्य है कि चितकारा यूनिवर्सिटी में और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की सहयोग से ये हमारा प्रांगण में होने का सौभाग्य मिला और हर भारत की 15 राज्यों से 250 कलाकार यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिनमें कि उत्तर प्रदेश से शुरू करके गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, न्यू दिल्ली और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, महाराष्ट्र की कलाकार भी यहाँ सारे एकत्रित हुए हैं और इसमें 11 मेंटर्स है। मेंटर प्रसिद्ध चित्रकार है भारत की, बनारस यूनिवर्सिटी, उत्कल यूनिवर्सिटी, देन कलकत्ता से और चितकारा यूनिवर्सिटी से, ये इनकी मेंटरिंगशिप में यहाँ बड़ी बड़ी काम करने का एक प्रयास हो रहा है। मिस्टर आदित्य गणनायक जो कि डायरेक्टर जनरल नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है, वो उनका उनका तत्वावधान में, उनका गाइडेंस में ये कर्मशाला हो रहा है। ये जो कर्मशाला हो रहा है, हमारा मतलब है साइंस में, टेक्नोलॉजी में और बहुत सारे चीज़ में बड़ी बड़ी आयोजन होता है, लेकिन कलाकार के लिए पहली बार भारत में, मैं तो कहूँगा ये विश्व में पहली बार ऐसा के आयोजन का कोशिश किया गया है आदित्य गणनायक की और उनकी एनजीएमई की टीम की ओर से, जो कि ये लोग ने इतना कठिन प्रयास करके देन इसको को संभव करने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के महानिदेशक अद्वैत गणनायक ने कला कुंभ को संगम बताते हुए कहा कि पॉजिटिव सोच, देश प्रेम और चित्रकला के जरिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की गाथा स्थानीय नायकों के जरिए दिखाना सभी का उद्देश्य रहा। जो देख रहे हैं, जो भव्य रूप देख रहे हैं, यहाँ पर लगभग 250 आर्टिस्ट दिन रात काम कर रहे हैं और इसमें आर्टिस्ट आप जो देख रहे हैं, इंडिजिनस आर्टिस्ट है, ट्रेडिशनल आर्टिस्ट है और जो कंटेम्परेरी आर्टिस्ट, सारे मिलके जिसको कला कुंभ बोलते हैं कि यहाँ पर वो ऊर्जा आप देख सकते हैं। सब आर्टिस्ट अपना प्रदेश को किस तरीके का प्रेजेंट कर रहे हैं और जो अनसन हीरो है, जिसको हम भूल चुके, किसको पता भी नहीं है, इस तरीका हीरो को लेके वो लोग पेंटिंग कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात है कि आपको लगेगा जैसे अजंता एलोरा में काम हो रहा था, इस तरीका आपको लगेगा कि एक ही कैनवास एक जगह से शुरू हो रहे हैं, पूरा देश घूम रहे हैं, हर प्रदेश जा रहे हैं, हर प्रदेश का अनसन हीरो को वो बता रहे हैं, लेकिन आपको लगेगा कि पूरा एक ही है। तो विविधता से जो एकता आप यहाँ पर देख सकते, जो कि एक आर्टिस्ट कम्युनिटी पहली बार देश में एक जगह में इतना आर्टिस्ट इतने बड़े कैनवास में काम हो रहे हैं, आप एक झलक देखते हैं वो राजस्थान का पूरा इम्पैक्ट आपको, जो अनसन हीरो से शुरू करके उनका जो आर्ट, उनका जो हेरिटेज, सारे कुछ आपको नज़र आएगा कि राजस्थान का एक कैनवास 75 मीटर जो चल रहे हैं, उस तरफ आप देख रहे हैं कि जो महाराष्ट्र, गुजरात, आपको लगेगा कि एक कैनवास पूरा अपना प्रदेश को किस तरीका वो लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। एक तो बात है कि कलर, जो कलर है ना, वो प्रदेश का कलर स्कीम भी आपको लगेगा कि उस तरीके का कलर में हम खेल रहे हैं।
तो पहली बार जो आर्टिस्ट यहाँ लोकल आर्टिस्ट और जो नेशनल लेवल आर्टिस्ट और जो मेंटर सिस्टम हमने यहाँ पर तैयार किया कि एक मेंटर जो कि हर जगह में वो लोग तैयार कर रहे हैं कि क्या सब्जेक्ट रहना चाहिए, किस तरह का हमको उसको एक हारमोनी क्रिएट करें, एक ग्रुप पूरा रेगुलर उनका साथ काम कर रहे हैं। और एक प्रोसेस ऐसे होता है ना गुरुकुल में, जैसे होता है कि एक गुरुजी होते हैं उनका साथ उनका टीम होता है, जिस तरीके का नंदलाल बोस काम कर रहे थे शांति निकेतन में, इस तरीके का यहाँ पर वो हर चीज़ को एक एक चीज़ को परख के एक तैयार करके उसको एक प्रेजेंट करते हैं। समकालीन चित्रकला के अलावा इंडोर स्टेडियम में पारंपरिक चित्रकला के कलाकार दिन रात बहुत ही बारीकी से काम करने में तल्लीन रहे। फट चित्रकला, मंदाना शैली, कांगड़ा शैली, कलमकारी, वोरली चित्रकला, थांगा शैली के पारंपरिक कलाकारों के रंग देखते ही बनते हैं। यहाँ पे हम लोग इकट्ठे हुए हैं कला कुंभ के लिए। कला कुंभ बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो है ये आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 साल जो देश मना रहा है, तो उसमें अनसंग हीरोज, प्रधानमंत्री जी का स्पेशल फोकस था कि जो अनसंग हीरो हैं जिनको याद नहीं किया गया 75 साल में, और हम अपनी युवा पीढ़ी को बताएं कि ये हमारे एसेट्स थे, ये देश की आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिली है, इसमें लाखों लोगों की कुर्बानियाँ गई हैं, और उनको उन शहीदों को उनको याद किया जाए, उनको भी एक नया माने नई जो पीढ़ी युवा पीढ़ी है उसको उसके ध्यान में भी लाया जाए कि ये भी सिर्फ चंद लोग नहीं थे आज़ादी के संग्राम में, अनगिनत लोग थे। तो उन पे काफ़ी सारी रिसर्च भी की गई है और नए चेहरे जो हैं उनको निकाला गया है। और आर्टिस्ट का काम है कि कुछ कहानियाँ जो आज़ादी में लोगों ने जाने दी उसकी जो कहानियाँ थी उनको शेप दिया जाए। तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो है उसका एक सुझाव था कि आर्टिस्ट भी उसमें जो है योगदान दें और आर्टिस्टों को इन्वॉल्व किया जाए। तो प्रधानमंत्री जी ने हमें अलाउ किया कि आप 750 मीटर कैनवस हमें करके दीजिए। जब मैं 750 मीटर कह रहा हूँ तो दो तरह के कैनवस हो रहे हैं यहाँ पे, एक कैनवस जिसकी हाइट 10 फुट ऊंची है और एक कैनवस जिसकी हाइट 6 फुट ऊंची है। जो 6 फुट ऊंचा है 750 मीटर वो भी है, वो हमारे इंडिजिनस आर्टिस्ट जो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हैं वो उसे कर रहे हैं, और जो 10 फुट हाइट वाला कैनवस है उसे हमारे कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट जो हैं वो कर रहे हैं। 75 वर्ष जो हम मना रहे हैं वो कैसे हम मना रहे हैं, किस तरह से उनको याद किया जा रहा है और नई पीढ़ी को भी उसके अंदर इन्वॉल्व किया जा रहा है। आप यहाँ देखेंगे बहुत सारे युवा आर्टिस्ट हैं। और जब कला कुंभ का नाम दिया गया, कुंभ का मतलब ही है, जब हम कुंभ से खुद को जोड़ते हैं तो सबसे पहले हमारे ध्यान में जो है वो कुंभ मेला आता है, जहाँ बहुत सारे श्रद्धालु रहते हैं, बहुत सारे वो रहते हैं, उनका एक इकट्ठ वहाँ पे होता है, साधुओं का, संतों का, युवाओं का, वृद्धों का। तो यहाँ कला कुंभ 250 आर्टिस्ट के आसपास यहाँ पे काम कर रहा है। दिन भर अपनी कला साधना में रत कलाकार शाम को चितकारा विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में उत्तर भारत क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र पटियाला के कलाकारों की लोक कला का आनंद उठाते और लगता जैसे पूरा देश अपनी विविधता के साथ यहाँ उतर आया है।
भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत आने वाले विभाग रीजनल आउटरीच ब्यूरो चंडीगढ़ ने कला कुंभ के दौरान फोटो एग्जीबिशन के जरिए दर्शकों को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न नायकों, शहीदों और वीरों से परिचय कराया। एनसीसी के कैडेट्स ने स्क्रोल पेंटिंग बनाने में अपना योगदान दिया, जिसे विशेष रूप से लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र शर्मा ने देखा और उन बच्चों की सराहना की। एनसीसी कैडेट्स को पहली बार ये मौका मिला है कुछ ऐसी इवेंट में आकर जो हम स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा करने पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। स्क्रोल पेंटिंग ये हमारे कैडेट्स ने बनाया है, अदरवाइज यूनिटी एंड डिसिप्लिन में रहते हुए एक लीक से हटकर ये काम जो हमारे बच्चे कर रहे हैं बहुत ही गौरव का विषय है। और यहाँ भी उन्होंने अपना प्रतिभा और कौशल का बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। सारे कैडेट इसमें पार्टिसिपेट कर प्रसन्न हैं और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड DGNCC को हम थैंक्स करते हैं कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली इसमें पार्टिसिपेट करने की। डॉक्टर मधु चितकारा ने कला कुंभ के आयोजन को गरिमामयी व गौरवपूर्ण बताते हुए कहा कि इस वृहद कैनवास के जरिए पूरा देश 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर अनसंग हीरोज के बारे में चित्रों के जरिए जान सकेगा। देश के गौरवशाली इतिहास व स्वतंत्रता संग्राम की गाथा नई पीढ़ी तक ले जाने में कला कुंभ के जरिए बनी प्रदर्शनी निश्चित रूप से सफल होगी। Great feeling for all of us that the people were working together, 250 artists from different states and the students from our campus. I'm very thankful to my volunteer students. I think they must have learned a lot. And at the end, I am grateful to India's premier art institutions, the National Gallery of Modern Art, Ministry of Culture and Ministry of Defense for their invaluable guidance and hand-holding us. I think we have learned from them also. So this was a great collaboration between an educational institute from an art and culture from the Ministry of Defense and our department from where the sir is there. So I think it was a great culmination of artists. Kala Kumbh ke samapan avsar par 2 January ko Punjab ke Rajyapal Banwari Lal Purohit padhare aur unhone प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कलाकारों को शाबाशी दी। चितकारा विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम में कला कुंभ के समापन अवसर पर पंजाब के राज्यपाल श्री पुरोहित ने कहा कि चित्रकला की ये 9 दिवसीय कार्यशाला देश को एक वृहद पेंटिंग सौगात के रूप में दे रही है। It is indeed a pleasure to be at Kala Kumbh, the art workshop dedicated to Azadi Ka Amrit Mahotsav. Azadi Ka Amrit Mahotsav is an initiative of the Government of India to celebrate and commemorate 75 years of progressive India and the glorious history of its people, culture, and achievements.
the Mahotsav is dedicated to the people of India, who have not only been instrumental in bringing India this far in its evolutionary journey, but also hold within them the power and potential to enable Prime Minister Modi's vision of activating India 2.0. Nationwide, series of events are being organized to commemorate the 75th anniversary of India's independence. This Mahotsav is now a Janotsav, being celebrated in the spirit of Jan Bhagidari throughout the length and breadth of the country. I have been informed that the week-long workshop organized by the National Gallery Modern Art here at Chandigarh has brought together over 250 artists from across the country to paint part of the 75 meter long scroll depicting the heroic lives and struggle of unsung heroes of India's freedom movement. Thus I gather what I told that I have been informed before coming over here, but personally I have seen 250 dedicated artists. I have personally met them and seen them. I have hats off to everybody and my congratulations. Bahut hriday se abhinandan hai sabka. Gajab kaam kiya hai. I couldn't imagine. अनेकता में एकता का संदेश लिए कला कुंभ के आयोजन ने देश को एक अद्भुत रचना लगभग 750 मीटर स्क्रॉल पेंटिंग के रूप में दी है, जो आने वाले दिनों में लाखों लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेगी।